जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो, जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो, जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो, जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। मैं ऑनर रिक्वेस्ट करता आला तीर्था वगे आला तीर्था जनाब स्टेज पे आए और स्टेज के माध्यम से सलमान भाई सब तो पहले मैं सारे का गया तुम्हारा शुक्रिया अदा करना, बहुत बहुत धन्यवाद करना। जेड़े तुसी अपना टाइम कटी है, मैं कोई गड्डी कोई बस कोई फैसिलिटी कोई इस्तेमाल नहीं कीती, तुसे सिर्फ आजाद साहब का नाम सुनिए तुसी कट्ठे हुए, मैं तुम्हें सब सब नमन करता हाँ। प्रभु का भी मन का भी शुक्रिया अदा करना कि संगीत बहुत अच्छे चल रहे हैं। बदल दो त्रे दिन के पहले गए, इंद्र देवता भी खुश है, मौसम भी ठंडा पर मानदनी है। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब मेरे सामने बैठे, नौजवान साथी बुजुर्ग महिला शक्ति बच्चे और सामने सारे मीडिया जिन्हों की बदौलत एक सच का पर्दा जरा वो साफ कर देना। मैं सारे दर्जे ब दर्जे नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सबको मैं प्रणाम करता हूं। जय भीम जय भारत। जनाब आजाद साहब, मैं आप जी का
बड़ा बड़ा धन्यवाद करना। आज तुम इतने आए इस धरती के अखनूर और इस जगह से तुम विराजमान हो, यह समा मैं और मेरा परिवार और जो सारे सामने बैठे दिन है इतिहासक गिना जाएगा। आज का दिन बहुत ही बड़ा उच्चा माना गया है। मैं सारी जनता के बीच, मैं अपने बुजुर्ग नौजवान साथी, अज मैं तुसी हाजिर रखते हुए उस भगवान को हाजिर रखते हुए अज मैं चौथा मुर्शद उदाहरण किया है, वो है सियासी लीडर, सियासी सियासत बस है। मैं बेनती करा, अर्ज करा के बैठे रहो और देखो नजारा। इस्तेमाल नहीं करता था, गलत उनकी नीतियों की निंदा करता था, लेकिन व्यक्ति की निंदा नहीं करता था, क्योंकि हर व्यक्ति से, हर इंसान से गलती हो सकती है। इंसान भगवान नहीं है, देवता नहीं है, पैगंबर नहीं है, पीर नहीं है, गुरु नहीं, वो इंसान जबान, भाषा, खाना पीना अलग। अब दिल्ली वाले को क्या समझ, कश्मीर में जाओ जबान अलग, खाना पीना अलग, जो दो चार पांच डिस्ट्रिक्टों में हासिल होंगे, लेकिन उसके बाद किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसकी उनको परवाह नहीं, इसलिए नहीं बढ़ पाए। कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं, कुछ बहुत पुरानी है कुछ रही है, वो बनाल के उधर के लिए स्लोगन देंगे, उनको ये मालूम नहीं है जम्मू वालों को अच्छा लगे या नहीं बुरा, वो साढ़ा तो काम हो गया, बाकी बाकी खसमा उठा। ये जरा खसमा खाने वाला ये जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं बन सकते। कोई कश्मीर का बंदा कहे कि जम्मू वाले खसमा खान मेरा तो कम हो गया, कोई जम्मू वाला कहे कि मेरा तो कम हो गया बाकी खसमा खान, वो लीडर जम्मू कश्मीर का नहीं बन सकता। जिस लीडर पे, जिस पार्टी पे सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का विश्वास न हो, जिस लीडर और जिस पार्टी पे सभी जातियों का विश्वास न हो, वो पार्टी जम्मू कश्मीर में लगड़ी सरकार बना सकता, लेकिन दो टांगों वाली सरकार नहीं बना सकता। वेल्डिंग जो करने वाले वो भी बाहर गए, लोहा कहां से लाया वो भी बाहर से, सीमेंट पुल बनाने वाले वो भी बाहर से, और कहा जो मिट्टी गिर जाती है सड़क की, क्योंकि तो प्लान एरिया है सर में, तो इसकी इधर की आधी मिट्टी इधर खेतों में डालते हैं, आधी मिट्टी उधर खेत, और वो खेत एक्वायर नहीं किए, एक्वायर उतने किए हैं जितने मत, और फिर वो जब खेतों को साफ करने के लिए जाते हैं
वो बिल्डिंग निकाल ले, वो भी नहीं निकालने देते हैं, वो भी ठेका उन्होंने बाहर वाले को दिया है कि उसको मिट्टी को भी वो बेचेगा शहर। फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? स्टेट के लिए क्या भला है, जनता के लिए क्या भला है, अवाम के लिए क्या भला है? किस तरह से हमारी बेकारी दूर हो जाएगी, किस तरह से हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किस तरह से हमारा विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे समाज में हम प्रेम और प्यार से रहेंगे, कैसे इस जम्मू कश्मीर जो हमारे मुल्क का हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, सर है, ये सर जो हमारे देश का है, ये सुरक्षित रहे, दुश्मन जो मुल्क है उनसे सुरक्षित रहे, और उसके लिए हमारे प्रेम से और प्यार से रहना सबसे बड़ी जरूरत है। सर जिस तरह से आज लोगों ने आप पर विश्वास करके यहाँ पे पार्टी को ज्वाइन किया है, इस मौके पर दो शब्द आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को? बहुत अच्छा है, मैं इनका सबका स्वागत कर रहा हूँ। अखनूर के लोग हमसे ना वाकिफ नहीं है, पिछले 40 सालों से मैं यहाँ आते जा रहा हूँ, जब भी कोई समस्या है। अब भूल गया मैं सब चीज़ें, यहाँ नहीं भूला आज करने काम मैंने क्या किया उसके बारे में उल्लेख नहीं किया। 83 में जब फ्लड आया था यहाँ, आपको नहीं मालूम है, यहाँ अखनूर तकरीबन आधा ख़त्म पानी में था और हमारा कुल भी नुकसान हुआ था, और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लाया था, मैं खुद भी मंत्री था, तो हम वो आर्मी की ट्यूब में जी उन्होंने हमें पार करवाया, वरना पार भी नहीं जाते, तो आर्मी की ट्यूब पर ही हमने दौरा किया। फिर उसके बाद इंटीरियर एरियाज में गए और फिर भी जो कंसेशन दिला न सकते थे वो दिलवाई। तब से भी जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आई, चाहे वो सब डिवीज़न की बात आई, हॉस्पिटल्स की बात आई, तमाम चीज़ें यहाँ को दी, तो यहाँ के चाहे अब हम पार्टी से दूसरी पार्टी बनाई लेकिन लोग तो वही हैं पुराने। आजाद साहब, जम्मू कश्मीर में बात करें, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, JKSSB की बात करें, पिछले काफी समय से रिक्रूटमेंट यहां पर रोकी गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं और आपकी पार्टी का क्या विजन है यूथ को लेकर? नहीं, यूथ का मुद्दा ही सबसे बड़ा विषय, अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा, एक तो स्टेटहुड का है, दूसरा बाहर से कोई नौकरी ना कर पाए, जमीन बाहर वाला कोई खरीद नहीं पाए, अब देखें अभी ज़मीन को भी दखल कर रहे, तो हमारी अकेली पार्टी थी जिसने पूरा एजिटेशन पूरी स्टेट में किया, तो तब जाके रुका, बाकी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ से लेकर कश्मीर तक चुप करके बैठ गई, जो होगा इनका होगा, लेकिन हमारी नई पार्टी थी सबसे ज़्यादा एजिटेशन, क्या सबसे ज़्यादा क्या एक ही पार्टी ने एजिटेशन की, सब जाके वो सर असेंबली इलेक्शन पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, और अनएम्प्लॉयमेंट जितनी जगहें खाली हैं वही 5 साल से पूरी नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले तो जितनी जगहें खाली हैं वो सब भर दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा टूरिज्म एक पर्यटन है जिसकी तरफ कोई ध्यान स्टेट का नहीं रहा। मैंने एक ट्यूलिप गार्डन बनाया था तो लाखों लोग जाते हैं पूरे हिंदुस्तान की दुनिया, ऐसी कई स्कीमें हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैनिफेस्टो बनाऊंगा, जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में उसी तरह की एम्प्लॉयमेंट लाखों। साहब, जब आप चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज्यादा पावर आपने अखनूर और खोड़ के लोगों को दी थी, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनाकर, आज वो दोनों साथी आपके साथ नहीं है, क्या आप लोग उनकी कमी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? कमी नहीं महसूस करते, अपनी गलती का एहसास महसूस।